अलकनंदा और भागीरथी का संगम है ये, और आगे ये गंगा नदी बन जाती है। मतलब इतने दिन एडवेंचर के बाद में अपने दिमाग को रिलैक्सेशन चाहिए था, जो मेरे को यही मिल सकता है। 700 अच्छा अंदर बंदे हैं इसमें, ये देखो निकल रहे हैं। ये अलकनंदा रिवर के किनारे अभी हमें मिले हैं ब्रदर। इतना लंबा चौड़ा जाम है ना, मुझे लग रहा है कि खुलने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। मैंने बैग को बहुत हल्का रखने की कोशिश की, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भारी हो गया है। अभी हमें गोरीकुंड में, और ये देखो काफी खूबसूरत सी मार्केट है यहाँ की। हे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। रात की जो प्रॉपर्टी पे जहाँ पे स्टे था, रात में तो बड़ी अच्छी लग रही थी, अब तो बड़ी एंड सर्विसेज इज वेरी एंड। अभी इसमें सारा सामान पैक करेंगे फिर निकलेंगे। मैं कल जोस्टल में जा रहा था, इन्होंने मेरे को पहले रुकवा लिया, और मैं आपको बताता हूँ फिर कैसी गली थी जोस्टल की, जिसकी वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ा, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये थी ओसेनॉक्स करके जगह है शायद। एक बार में तो गाड़ी मुड़ेगी भी नहीं यार, एक बार यू टर्न देते हैं प्यार से, गली कुछ ज्यादा ही पतली है। एस टू एस मामला इधर। ओ भाई बहुत ही क्लोजेस्ट था, और यार ऐसी जगह रहने का कोई सेंस भी नहीं है। तो मैंने कहा जोस्टल की प्रॉपर्टी इससे ऊपर थी, लेकिन यार मे भी जोस्टल तो यहाँ से कितना ही परफेक्ट होता भाई। यू कैन सी आई एम एट ऋषिकेश, जहाँ लक्ष्मण झूला है, राम झूला है, सोन प्रयाग तक मैं अपनी गाड़ी लेके जा सकता हूँ, यानी यहाँ से करीब 200+ ही है सोन प्रयाग। वहां से फिर गौरीकुंड के लिए टैक्सी मिलेगी, तो गौरीकुंड तक टैक्सी लेके ऊपर जाएंगे, और फिर गौरीकुंड में नाइट स्टे करना पड़ेगा। यहाँ से बद्रीनाथ है 291 और केदारनाथ है 223। एवरीबॉडी ये देखो कितना खूबसूरत सा ब्रिज आया है, रास्ता ये भी काफी अच्छा है, कहीं कहीं लैंडस्लाइड भी हो रखी है बराबर में साइड में, ये शायद स्लाइड होता रहता है माउंटेन, उसकी वजह से देखो इसको दोबारा रिपेयर किया गया, और नीचे की तरफ बड़ी खूबसूरत गंगा नदी देखने को मिली है। कितना लंबा चौड़ा जाम है वो देखो बहुत आगे तक लंबा चौड़ा जाम लगा पड़ा है, और इधर से इधर गाड़ियां आप देख पा रहे होंगे। इतना लंबा चौड़ा जाम है ना, मुझे लग रहा है कि खुलने में कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। मैं सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मैंने सोचा चलो आगे कोई बढ़िया जगह है तो रुकेंगे, फिर मेरे को लालच पड़ गया थोड़ा चलो इस चक्कर में काफी आगे तक आ गए हैं, और अभी बैठ के इंतजार कर रहे हैं, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये माउंटेन्स देखो, ऐसा लग रहा है वाकई में हम अभी HP में है, लेकिन दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है। अच्छा ये देखो गंगा नदी आ रही है, बड़ा एक खूबसूरत व्यू है, और ये अपनी थार गड़ी है, और अब हम यहाँ से करेंगे अपना आज का ब्रेकफास्ट कह सकते हो, लंच कह सकते हो, बस यही है, इसको खाएंगे, एक परौंठा और ले लेंगे और फिर हम आगे निकलेंगे। थोड़ा पानी का ले लिया हमने लीटर वाला, क्योंकि ये हमें काम आएगा, बार बार पानी लेने की नीड नहीं पड़ती, गाड़ी फुल्ली पैक है पूरी तरीके से, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड और ये सब चीजें हमें देखने को मिली इस रोड पे। भगवान भोलेनाथ जी की एक प्रतिमा दूर से नजर आई है, ये देख सकते हैं आप, देखिए जी हर हर महादेव बोल आगे बढ़ते हैं। बस ये टूटी फूटी सी सड़कें हैं, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है ऐसा नहीं है, और बीच बीच में ऐसे स्लाइड्स भी हो रखी है लैंडस्लाइड टाइप। अभी जो टाइम आ रहा है वो 5 बजे का आ रहा है, जिस तरीके से हम चल रहे हैं ना, सारी चीजें मैंने चार्ज लगा दी है, लैपटॉप लगा दिया है, बैटरी चार्ज कर ली है, पावर बैंक एक ही है जो 10,000 mAh का, और जो भी चीजें रहेगी देखते हैं। अभी ड्रोन तो शायद ही अलाउड करेंगे वहां पे, तो ड्रोन तो नहीं लेके जाऊंगा, वो तो मैं गाड़ी में रख के चला जाऊंगा, और उसके अलावा जो मेरी मैकबुक है वो अच्छे से चार्ज कर लेता हूँ। वैसे तो मैकबुक की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी यार चार्ज कर लेते हैं, ये एक बार में 2-3 वीडियो आराम से एडिट कर देती है। एक तरफ से बिल्कुल पूरे रास्ते टूटे फूटे पड़े हैं, तो यहाँ मानसून में तो टफ हो जाता होगा यार निकलना, इधर से स्लाइड्स होती रहती होगी यहाँ पे। देखिए हमें एक संस्कृत यूनिवर्सिटी देखने को मिली है, मैंने अपनी लाइफ में पहली यूनिवर्सिटी देखी है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। मतलब यार अभी देखो अपने इंग्लिश के पीछे इतने हो गए हैं, देखो जो भारत की सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत, उसकी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे उत्तराखंड में, देवप्रयाग से थोड़ा सा पहले है। संगम अलकनंदा और भागीरथी नदी का, इनमें से ये वाली नदी है शायद साफ वाली अलकनंदा, ये भागीरथी है, और आगे चल के एक गंगा बनती है, और ये देखो वहाँ पे घाट बना हुआ है जहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं,
और ये जगह का नाम है देवप्रयाग। यहाँ से थोड़ा क्लियर दिख रहा है, एक तरफ का पानी बहुत ही क्लियर आ रहा है इस रिवर का, और उधर है भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी का संगम है ये। और नीचे एक घाट बना हुआ है जहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं, और आगे ये गंगा नदी बन जाती है, तो बहुत ही पवित्र जगह है ये। धार्मिक मानी गई होगी जिसमें दो बड़ी नदियों का संगम होता है। यहाँ पे एक घाट बना हुआ है जहाँ लोग स्नान करने के लिए नीचे मौजूद थे, और प्रॉपरली देवभूमि देखा जाए तो उत्तराखंड है। तो ये तो था देवप्रयाग, इसके बाद में लोकेशन आएगी वो होगी रुद्रप्रयाग। देख सकते हो अलकनंदा नदी का कितना खूबसूरत रूप है ये यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये जगह का नाम है कीर्ति नगर, जस्ट क्रॉस किया हमने, और आगे अभी चल के रुद्रप्रयाग आ जाएगा। मैं अकेला हूँ जो दिवाली घर से दूर रह के मना रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो दिवाली घर से दूर रह के मनाएंगे, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि मैं अकेला मनाऊंगा, बाकी लोग दो या तीन तो होंगे कम से कम, 16 तो बहुत कम लोग मिलाएंगे। ये ऐसा त्यौहार है जो अपनों के साथ मनाया जाता है, और मैं इस बार, चलो कोई नहीं, भगवान भोलेनाथ के दरबार में बैठ के आराम से दिवाली मनाएंगे। मुझे दो चीजों की शॉपिंग करनी है, एक तो रेनकोट और एक मुझे पावर बैंक भी चाहिए, अगर यहाँ मिल पाया तो। यहाँ आगे विशाल मेगा मार्ट है तो वहाँ चल के आते हैं, शायद वहाँ ना कोई रेनकोट वोट मिल जाएगा यार बैंक का। तो विशाल मेगा मार्ट में तो हमें कुछ मिला नहीं, अभी कोई और स्टोर देखने के लिए एक बार घूम रहा हूँ, कुछ मिल गई तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर आगे बढ़ेंगे। 5 मिनट का टारगेट है, 5 मिनट में मिल गया ठीक है, नहीं तो आगे चलेंगे वापस। रस्ते से ये लेके आया हूँ, ये चार्ज पी के चार्ज होते हैं और फिर निकलते हैं आगे। हे गाइस, ये देखिए अलकनंदा नदी का व्यू इतना खूबसूरत, और सामने की साइड है वो, वहां पे कोई डैम है, बहुत ही गजब का व्यू लग रहा है यार। खूबसूरत सी वैली के बीच में बनी इतना शानदार वो डैम, जिसके बीच में आपको ये खूबसूरत सी अलकनंदा रिवर देखने को मिलती है। उत्तराखंड प्रॉपरली धार्मिक इलाका है, कहीं भी चले जाओ आपको नदियां मिलेगी, और सारी की सारी नदियां पवित्र रिवर होगी, जैसे ये अभी अलकनंदा देखने को मिल रही है मेरे पीछे भी, आप देख सकते हैं। मतलब इतने दिन एडवेंचर के बाद में अपने दिमाग को रिलैक्सेशन चाहिए था, जो मेरे को यही मिल सकता है डेफिनेटली, और इधर मिल भी रहा है। एंड आज अपने थार को कहीं बढ़िया सी जगह पार्क कर देंगे 2-3 दिन के लिए, और उसके बाद चले जाएंगे ऊपर केदारनाथ की तरफ। और गाड़ी को मैंने साफ इसलिए नहीं करवाया, 2-3 दिन ऐसे कहीं खड़ी ही करनी है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। उसके बाद में बढ़िया से इसको धुलवाएंगे और सुंदर से बनाएंगे, उसके बाद घर लेके जाएंगे। घर तो नहीं, पता नहीं आगे क्या प्लान बन जाए, वो आपको आगे चल के बताएंगे। तो ये अपने को ब्रदर मिले हैं, क्या नाम है आपका? सुप्रियो। ओके, आप कहाँ से शुरू हुए थे? हावड़ा से। हावड़ा से लद्दाख सोलो साइकिल ट्रैवलिंग, वेरी गुड भाई। मेरे को काफी लोग मिले थे, मैंने पिछले साल बाइक से भी किया था, इस बार तो मैं गाड़ी से कर रहा हूँ। मैंने विंटर स्पीतिपुर, अभी स्पीतिपुरा करके आया हूँ, जंस्कार करके आया हूँ, और इधर का कसोल तोश वाला सारा इलाका क्या है, सब कुछ अलग है। अलग है यार। कोई ना सही, अकेला ही काफी है खुद के लिए। हाँ यार, सीरियसली भाई, इसमें मेरे पास वो ऊपर रूफ टॉप टेंट है, मैं जहाँ मन करता है लगा लेता हूँ, खाने पीने का सारा अरेंजमेंट साथ लेके घूम रहे। आपका तो अलग है, आपका भी देख रहा हूँ यार मैं, बहुत गजब लग रहा है आपका सेटअप पूरा। क्या क्या है? अच्छा, ये टेंट है। ओ, जहाँ भी आपको जगह मिलती है लगा देते हो? नहीं, वैसे तो नहीं लगा सकते, यहाँ पे जानवर का खतरा। हाँ हाँ, कोई मान लो ढाबे डूबे के आसपास ना, सेफ्टी देखते हो आप। अरे भाई बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया बात है, मेरे को अच्छा लगा। ये आपके यूट्यूब चैनल वगैरह है तो आप भाई को जाके फॉलो कर सकते हो। ये अलकनंदा रिवर के किनारे अभी हमें मिले हैं ब्रदर। हम भी अभी भागते हैं आगे और पहुंचते हैं हमारे मंजिल की तरफ। मेरा क्या रुकना बहुत ज्यादा हो जाता है यार, रुकते रुकते मैं क्या करता हूँ कि लेट ही कर देता हूँ। क्या है, टेंशन फ्री है ना, हम बिल्कुल टेंशन नहीं रखते जीवन में। तो ये है ब्यूटीफुल सा रुद्रप्रयाग, और हमने दो बंदों से रास्ता कंफर्म कर लिया, ये रास्ता जाएगा केदारनाथ को। तो चलते हैं लेके बाबे का नाम, हर हर महादेव। बहुत ज्यादा बाइकें खड़ी है, गाड़ियां खड़ी है, पता नहीं आगे कोई मेला लग चल रहा है, पता नहीं क्या सीन है। ये जो भीड़ आपने देखी ना इतनी सारी, ये जस्ट बिकॉज इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे अगस्त मुनि का मंदिर है और यहाँ पे लगा था मेला, और ये काफी पवित्र स्थान है। तो ये डीकैथलॉन से मैंने पैंट ली थी, ये बड़ा यार लूज आ गई थी थोड़ी सी, तो इसको रस्ते में एक जगह से ठीक करवा लिया है, भैया ने सिर्फ 50 रुपए के पूरा रबड़ दे दिया।
क्या बात है। एंड अभी निकलते हैं आगे क्योंकि केदारनाथ अभी दूर है यार। यहाँ से केदारनाथ है 69 किलोमीटर 52 किलोमीटर दूर, बाद हमें पार्किंग करनी पड़ेगी गाड़ी की, रास्ता चेंज हो रहा है, पतला रास्ता रहेगा, खतरनाक रास्ता रहेगा। 700। अच्छा अंदर बंदे हैं इसमें, ये देखो निकल रहे हैं ऐसे कैसे यार, नीचे गिरा दी यार गाड़ी, सीरियसली मौसम भी खराब हो रहा है। चलो करते हैं अपने मदद करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे लोग सारे वापस जाने लग गए, ऐसे तो ये नहीं चलेगी जिस तरीके से ये गिरी हुई है। इस गाड़ी का ओनर थोड़ा सा समझने को तैयार नहीं है, ट्रैक्टर से खींचने की कोशिश हो रही है गाड़ी को, ट्रैक्टर तो खींच के ले जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है, निकल गई, थैंक गॉड। टाइम लगेगा अभी 37 किलोमीटर जाना है, लेकिन टाइम 2 घंटे आ रहा है, तो टाइम तो लगेगा यार इस रूट पे। हम अभी पहुंच चुके हैं गुप्त काशी में, और यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर बड़ा फेमस है, जो कि थोड़ा ऊपर की तरफ बताया गया है, और हम जा रहे हैं अभी ऊपर की तरफ सोनप्रयाग की तरफ, वहां जाके गाड़ी रोकेंगे एंड केदारनाथ का ट्रैक रहेगा हमारा। सोनप्रयाग आ गया है, अब यहाँ पे कोई पार्किंग देखनी पड़ेगी अपने को, और यहाँ से अपना बैग पैक करना पड़ेगा, और बैग पैक करने के बाद में गौरीकुंड तक के लिए टैक्सी लेनी पड़ेगी, और रात का स्टे करेंगे गौरीकुंड में एंड कल अर्ली मॉर्निंग ट्रैक शुरू करेंगे। तो ये प्लान है, काफी सारी गाड़ियां खड़ी है और हम भी यहाँ पे एंट्री करवाते हैं अपनी गाड़ी की, फिर कोई बढ़िया सी जगह रुक के पार्किंग करते हैं। एवरीबॉडी फाइनली सोनप्रयाग पहुंच गया हूँ और गाड़ी पार्क कर दी है, अब यहाँ से गौरीकुंड जाएंगे, लेकिन पहले अपने को बैग पैक करना है, जो जो चीज चाहिए वो लेके जानी है। गाड़ी को लोग वो कर दिया और अपने मैंने बैग को बहुत हल्का रखने की कोशिश की, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये भारी हो गया है। गाड़ी एक बार चेक कर लेते हैं, भैया लॉक है, पीछे से भी लॉक है, शीशे पूरे अप है। ओके डन, चलते हैं अभी ट्रैकिंग करने। रेनकोट लिए, ये वाला, ये कहते हैं ये वाला रेनकोट लोगे, ये है तो 100 रुपए का, लेकिन इसमें आपका बैग आ जाएगा, लेकिन अगर दूसरे टाइप का रेनकोट लेते हैं तो आपका बैग नहीं आएगा, तो इस चक्कर में हमने रेनकोट ये वाला ले लिया। अभी बढ़ रहे हैं आगे, कहते हैं आगे टैक्सी मिलने के चांसेस कम है, ट्राई करने में क्या हर्ज है, ट्राई कर लेते हैं, अगर शेयरिंग टैक्सी मिल गई तो पहुँचते हैं यार। वैसे अपना बैग भी स्नो प्रूफ है, सॉरी ये, और बैग पर भी कवर है, वैसे टेंशन नहीं है अपने, बस सारा कुछ है, एक ये ले लिया काफ़ी। ये है ब्यूटीफुल सोनप्रयाग, आप देख सकते हो काफी कलरफुल हो रखा दिवाली के ऊपर। तो सोनप्रयाग से हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और ऐसे आप टैक्सी लेके ऊपर जा सकते हो, आपको अपना पर्सनल व्हीकल पार्किंग में रोकना पड़ता है, और नीचे बराबर में नदी चल रही है जिसका नाम है सोन नदी। ये सोन और मंदाकिनी दोनों नदी का यहाँ मिलन होता है, तो उस प्रयाग को बोला जाता है सोनप्रयाग, और हम जा रहे हैं अभी ऊपर की तरफ। कितना किलोमीटर का रहेगा सर ये? 5 किलोमीटर का है, और सवेरे गौरीकुंड से यात्रा शुरू करेंगे पैदल यात्रा। बस रुका। हमारे ड्राइवर साहब थोड़े रिस्की हैं, हमें जल्दी पहुंचा देंगे सबसे पहले। देखो सभी गाड़ियां अभी तक लाइन में लगी हैं। अलग है इनका। अभी हमें गौरीकुंड में, और ये देखो काफी खूबसूरत सी मार्केट है, यहाँ की भीड़ ज्यादा नहीं है, अपने मॉर्निंग आराम से ट्रैकिंग कर लेंगे। अभी नाइट का अपना स्टे रहेगा, एक रूम ले लिया है फॉर 3 पर्सन, 2 पर्सन अपने को मिल गए हैं, और तो तीनों साथ रह लेंगे ठीक है, ऐसे ही हो जाए जुगाड़ तो बढ़िया रहता है। रात वैसे कितना है, 3 बजे तो उठ ही जाएंगे। तो एवरीबॉडी अभी हम पहुंच गए रूम में, एक रूम ले लिया है यहाँ पे, एंड मॉर्निंग 4 बजे निकलने का प्लान है, तो नींद तो थोड़ी बहुत ही लेंगे जैसी भी आएगी ठीक है। एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा लाइक शेयर कमेंट, लव लाइक बाय बाय। और हाँ, अभी जस्ट नीचे खाना खाने जाएंगे और ज्यादा व्लॉग नहीं आएगा, वो जो भी थोड़ी बहुत फुटेज आएगी वो इसमें आपको जोड़ के दिखा दी जाएगी। तो सुबह 4 बजे हम निकलेंगे, शार्प प्लान तो ये है, शार्प 4 बजे निकले, बाकी देखते हैं जितना भी रहेगा आपको दिखाएंगे कल हम पहुंचेंगे केदारनाथ।